अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम नूरा है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताएं। क्या हो रहा है आज लिबर्टी में? कुछ भी नहीं, बस हम लोग खुद अपने शूट से फारिग हुए थे तो शॉपिंग कर रही। कौन सा शूट, क्या करती हैं आप? मैं यूट्यूबर, एक यूट्यूब चैनल पे हूँ, एंकर। यूट्यूब चैनल पे एंकर हैं आप? अच्छा, कैसा चल रहा है आपका यूट्यूब चैनल? क्या कंटेंट क्रिएट कर रही हैं आप? कोई फ़र्क पड़ा है? पैसे कमाना शुरू हुई हैं? क्या कर रही हैं जिंदगी में? यूट्यूब करने से शुरू हुए कि नहीं? आपके ऊपर भी बॉस है? यूट्यूब में तो कोई बॉस नहीं होता। हम लोग चैनल, मतलब वेब चैनल है, यूएसए बेस्ड है, उसके अंडर हम लोग। देखें, ये ज्यादती है। अब आपके बॉस अगर मुझे देखेंगे कहेंगे ये लड़की इसको भड़का रही है। बात ये है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाए ना, ज़रूर बॉस से, बॉस की वो जो हुक्मरानी से निकल गई तो लोग यूट्यूब पे जाते हैं कि हम किसी की सुन नहीं सकते। हाँ, वो भी है, पर अपने पे मेहनत तो फिर बॉस चलें, कोई बात नहीं। वो आप बॉस आपके हस्बैंड है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद होता है ना, हस्बैंड जो होते हैं वो बॉस ही होते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। की शादी हुई? हाँ। तो बताएं, हस्बैंड बॉस होता है या वाइफ बॉस होती है? सच बताना है, सच। दोनों की होती है ये? दोनों नहीं, एक ज्यादा होता है, कोई ना कोई एक डोमिनेंट होता है, या लड़की डोमिनेंट होती है या लड़का डोमिनेंट। वैसे इन लॉस के अंदर तो ससुराल वाले ही होते हैं बॉस, हस्बैंड वाइफ की तो कोई मानता ही नहीं है। ये जबरदस्त, क्या आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है, हम इस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन फिर भी आपका ये एक पॉइंट आ गया है कि ससुराल वाले जो होते हैं वो काम खराब करते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। जॉइंट फैमिली में रहती हैं? हाँ, ज्वाइंट में रहती हूँ। जब अलहदा हो जाएंगी तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी? अभी भी सुकून नहीं है, आ गई हूँ। चले, आप कह रही होंगे कहीं मानूर अपनी कहानी तो नहीं बता रही है लोगों को भी ना? लोग मुझे, हमारे पाकिस्तान की 80% लड़कियों की यही स्टोरी है सारी। चलें, कोई बात नहीं। अब औरत जो है ना वो कभी भी आज़ाद नहीं है। आजकल क्या चल रहा है, कोई ड्रामे वगैरह देखने का टाइम मिलता है? देखती नहीं, पसंद ही नहीं। सास बहू के ड्रामे नहीं? घर में ही हो जाते हैं, बाहर देखने की जरूरत। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, ये आप मेरी बहुत अच्छी सहेली बन सकती हैं। अस मोमेंट चल रहा है हमारा। अच्छा बताएं, मुझे सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है और सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है? दांत? नहीं। बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है और सेहतमंद को फ्री में मिल जाती है। हिंट दे दें कोई। हॉस्पिटल में होती है वो। इतने प्यार से जब लोग मेरे से व्यूअर्स हिंट मांगते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूं। बहुत बुरा ना, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या अच्छा है आपका? शेर व शायरी सुना सकती हूँ। सुनाएं जी, सुनाएं, हम हाजिर हैं। आजकल तो हमारे अंदर, हम एक सीज़न देख रहे हैं तो सीज़न वाली वाइब अंदर ही आ रही है। आदाब इरशाद। हाँ, आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर पोइट्री बड़ी चल रही है, मैं आपको वही गज़ल पूरी सुना दी हूँ कि चला एक ऐसी नज़म कहूँ जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए। वाह। मैं अश्क कहूँ तो एक कांसू तेरे गोरे गाल को दो जाए, मैं आ लिखूँ तो आ जाए, मैं बैठ लिखूँ तो आ बैठे। वाह, शायर इस शेर में काफ़ी खुश मिजाज लग रहा है मुझे, सॉरी शौकीन मिजाज लग रहा है मुझे शायर। मेरे सीने पर सर रखती हूँ, मैं नींद कहूँ तो सो जाए, कि मैं हाथ लिखूँ कि मैं भूल गया। नहीं नहीं, भूला नहीं। कि मैं पेंसिल से तेरे हाथ बनाऊं, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। वाह वाह। मैं बेचैन लिखूं, बेचैन हो तू, फिर बेचैन का मैं बे काटूं, तुझे चैन ज़रा सा हो जाए। कि अभी आइन लिखूं तो सोच मुझे, मशीन लिखूं तेरी नींद उड़े, मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। चला एक ऐसी नज़म कहूं जो लफ्ज़ कहूं वो हो जाए। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, ये जो ऐन शीन वाला कोई गाना भी चल रहा है? वो यही है, इसी गजल का उन्होंने बड़ा कर। मैंने बीच में ना वाह वाह बहुत कर दी है, मेरे व्यूअर्स को एक दफ़ा और सुनाएंगी गजल? सुनाती हूँ एक और है, थोड़ी सैड है। ठीक। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों की छाँव से मुसाफिरों को उठा दिया था, जब अगले मौसम उन्हीं दरख्तों से फल ना उतरे तो लोग समझे। वो एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, वो एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खातूत निकले तो लोग समझे। मार डाला, मार ही डाला। और इसका लास्ट शेयर स्पेशली उन सारे लोगों के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। वो एक गांव का ज़हीफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे शहर को जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। Wow!
क्या बात है। मोस्टली होता यही है कि लोग जाते हैं वापस और अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, वापस नहीं आते। अरे इससे ज़्यादा दुखी बात ये होती है, क्योंकि मेरी फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बहुत यंग वो थे, हमारे मेरे मुझे याद है फादर के कज़न थे, वो बाहर रहते थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। मतलब वो जॉब करते थे, और फिर बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि प्लेन में आप जा तो रहे होते हैं और वापस कभी कभी किसी की डेड बॉडी भी साथ आ रही होती है। ऐसा ही हंसते हंसते हम दुख की तरफ चले गए हैं, यही ज़िंदगी है, कभी हंसना है कभी रोना है। तो कोई हंसी मजाक वाली भी शायरी आती है आपको, ताने मारने वाली? नहीं, बस इतनी आती है, जी करता है तुझे दिल भर के देखूं, मुद्दतें हो गई हैं जकूटा जिन नहीं देखा। अरे ज़बरदस्त, हंस भी लिया मजाक भी कर लिया, अफसुर्दगी भी दिखा दी आप, मुझे लग रहा है आप काफ़ी कॉम्बिनेशन आपका ही इस तमाम चीज़ों का। समटाइम्स यू आर सैड, समटाइम्स यू आर हैप्पी सोल एंड समटाइम्स यू आर अ फनी सोल। जो लोग पोइट्री करते हैं वो दिल टूटे होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये सुना है कि जो लोग सिंगिंग करते हैं उनका दिल बड़ा, उनका दिल टूटना बड़ा ज़रूरी है। हाँ कहते हैं लोग, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ में ज़ौक हो आपका दिल टूटना मस्ट होता है, ज़रूरी नहीं। दिल टूटा है कभी आज? बिल्कुल भी, किसकी हिम्मत ही नहीं हुई, दी नहीं ना इतनी हिम्मत किसी को। यानी आपने वो डर ही नहीं डाला? हाँ बिल्कुल, क्यों बंदा किसी के लिए रोए पिटे और पीछे पीछे घूमे किसी के। ये आपने बड़ी अच्छी, आजकल की जो यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां हैं, क्या उन्हें मशवरा क्या देंगी आप? जो लड़के दिल टूट के चले जाते हैं, जो कहते हैं कि अभी हमने पहले करियर बनाना है अपना, शादी बाद में करेंगे, और फिर वो नहीं आते कभी। लड़कों को नहीं, मैं लड़कियों को मैसेज दूंगी, पहले अपना करियर बनाएं, अपने लिए स्टैंड करें, सब कुछ अपने लिए करें, करियर वो बना लें, फिर वो शादियाँ नहीं करती। जब आप खुद एक मजबूत वुमेन होंगी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होंगी ना, तो लड़के खुद आपके पास आएंगे। लड़की वो एक है ना, ड्रामा चल रहा था उसकी भी एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी कि लड़कियों को लड़के नहीं ढूंढने पड़ते, और ये बात वाकई सच है, लड़कियों को कभी लड़के नहीं ढूंढने पड़ते, लड़के हमेशा लड़कियों को ढूंढते हैं। कि लड़की फिर भी एक ऐसा वफादार रह सकती है, लड़के वफादार नहीं रह सकते, लड़के वफा नहीं कर सकते, नहीं कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ खवातीन का ऐसा हिस्सा है जो बेवफाई कर देती हैं? हाँ, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, किसी जगह पर लड़के भी गलत नहीं होते और किसी जगह पर लड़कियाँ भी गलत नहीं होती। ठीक है नूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।